हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बॉर्डर पर किसानों का दिन रात खाना पीना गुजर रहा है, बातचीत के लिए जोर आजमाइश भी हो रही है। टिकरी बॉर्डर से अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सुबह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले आपने दिखाया कि वहां पर रोटियां सेकी जा रही हैं, साथ में सिंघू बॉर्डर में जो बातचीत चल रही है किसान संगठनों के बीच, जो रणनीति बनाई जा रही है वो तस्वीरें भी दर्शक देख रहे हैं। अब आगे क्या, हर किसी की जुबान में यही सवाल, बातचीत से बनेगी बात क्या? निश्चित तौर पर हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। जो यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं, इनके भी जहन में यही सवाल है। सर, आज जो बैठक होनी है, आप लोग भी पिछले जो कई दिनों से जो सड़कों पर हैं, आज लगता है कि बातचीत बन जाएगी? आज जेतावना चंगा मूड होया, मतलब जे अड़ियाला बतीरा होया फिर नहीं होती, जे चंगा मूड होया फिर होवेगी। साडे लीडर बहुत सियाने ना, हाँ सारी मंग लेंगे। तो क्या लग रहा है, किस वो क्या बात है जो सरकार मान ले और बातचीत बन जाए? नहीं, ये जो तिने काले कानून ना, ये मजदूर भी मरदा ए, दुकानदार भी मरदा आ, ए आड़ती भी मरदा आ, किसान भी मरदा आ, ये सारा ने विरुद्ध चा। तो क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए सर? होना तो बिल वापस होने चाहिए, कानून सभी के लिए घातक है। ये वो किसान है जो सड़कों पर है, जिनका कहना है कि इसका असर जो है सबके ऊपर पड़ रहा है। और ये देखिए, ये किसान है, ये लोग किस तरीके की अपनी तैयारियां करके आए, यहीं पर खाना है, यहीं पर पीना है, यहीं सोना है, यहीं पर जो है इनफैक्ट जो नहाने धोने का भी कार्यक्रम है वो भी आसपास करके, यहीं कपड़े भी सुखाए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है टीकरी बॉर्डर का हाल है। और जो किसान जुटे हैं उनका यही कहना है कि हमारे नेताओं को पता है कि हमारी क्या मांगे हैं, लेकिन जो मांगे हैं उसको लेकर के क्या सरकार मानती है नहीं मानती है, उसके आधार पर तय होगा कि क्या ये किसान आंदोलन खत्म होगा या फिर इसी तरीके से जारी रहेगा। क्योंकि किसान अपनी तैयारी करके आए हैं, इनका ये कहना है कि सरकार को भी पता है कि हमारी क्या मांगे हैं, हमारे नेता जाकर के बात रखेंगे। हाँ। और सरकार को तय करना है कि उन मांगों को मानना है या नहीं, और उसी आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अंकित, लगातार नजर बनाए रखिएगा, पल पल की जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। वहां पर जो मौजूद किसान है वो कह रहे हैं कि हमारे नेता बड़े सयाने हैं, इस देश की खूबसूरती और ताकत ये है कि यहाँ का किसान बड़ा सयाना है।